नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और ये वीडियो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। आपको बताऊंगा, रिसेंटली IBPS क्लर्क का एग्जाम कंडक्ट किया गया है और इस बार इंग्लिश सेक्शन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली कि एक सर्टन आर्टिकल टाइम्स की वेबसाइट से वर्ड बाय वर्ड एग्जाम में फीचर हुआ और एस्पिरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि आर्टिकल में जो इंग्लिश का लेवल था काफ़ी हाई था, काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उसमें और जल्दी से पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को। तो यही सब देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि ऐसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। अभी ये मैंने पहली वीडियो बनाई है, तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि एक सीरीज़ में बनाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि एक सर्टन आर्टिकल हम लें, उसको अच्छे से एनालाइज करें कि आर्टिकल बेसिकली क्या क्या रहा है और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए उस आर्टिकल को और अच्छे से हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें कि वोकैबुलरी कौन सी है, क्या कोई ईडियम्स है उसके अंदर, और ओवरऑल हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की मिलकर प्रैक्टिस करें। तो आप अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ऐसी हम सीरीज शुरू कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि रोज़ ये वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 4 या 5 वीडियोस आपके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ले आऊं और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है। आप अगर काफ़ी टाइम से IBPS CGL या कोई और एग्ज़ाम के लिए आप अपीयर हो रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि RC के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती, कोई एक मतलब ऐसे नहीं होता कि एक रास्ता है आप ऐसे कर लो। इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपकी रीडिंग स्पीड अगर अच्छी है तो आप जल्दी से एनालाइज कर लोगे क्या लिखा है और उसी के हिसाब से आंसर दे दोगे, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट स्पीड। वैसे मैं आपको अगर कोई एक पैसेज दे दूँ और एक घंटा दे दूँ कि एक घंटे में आराम से इसको पढ़ के इसके आंसर वगैरह दो, तो आप आराम से कर लोगे, मगर जब हमको बस 7 या 8 मिनट में करना होता है सारा काम, तब प्रॉब्लम आती है। तो इन वीडियोस में हमारा यही फोकस रहेगा कि इन डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स को, क्योंकि देखो अब एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी हद तक राइज हो रहा है, ठीक है। पहले सिंपल स्टोरीज आती थी एग्ज़ाम में, मगर इस बार का जो IBPS क्लर्क का मेंस है और उसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स हैं उनको देख के साफ पता लग रहा है कि अब न्यूज़पेपर से सीधा आर्टिकल्स, डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स विद अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, वो सीधा आएंगे एग्ज़ाम में और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जल्दी से उस आर्टिकल को पढ़ के एनालाइज करें। तो इसका एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस करना। तो मिलके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको आर्ट सिखा सकता हूं कि किस तरीके से आप एक आर्टिकल को समझ सकते हैं कि वो बेसिकली क्या क्या रहा है और जल्दी से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए एक आर्टिकल मिलके एनालाइज करते हैं। इस बार का जो IBPS क्लर्क मेंस में है, ये आर्टिकल जेलीफिश और ह्यूमन बींग्स के बारे में है, स्ट्रेट फ्रॉम द टाइम्स मैगजीन वेबसाइट। तो दोस्तों, ये है हमारा आर्टिकल, यही आया था IBPS मेंस के एग्जाम में वर्ड बाय वर्ड। तो आप देख सकते हो इसका टाइटल है व्हाट जेलीफिश नो दैट ह्यूमंस डोंट। ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा time.com की वेबसाइट पे, time.com, और ये टाइप कर लोगे गूगल पे तो आराम से आपको मिल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो टाइटल में आप देखोगे लिखा हुआ है जेलीफिश। जेलीफिश क्या जानती है जो इंसानों को नहीं पता। जेलीफिश क्या होती है? जेलीफिश ये होती है, आपको पता है, सी क्रीचर होता है ये, बहुत ही यूनिक सी क्रीचर होता है, इट्स क्वाइट मैग्निफिसेंट। और इसके बारे में बात की गई है इस आर्टिकल में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है, ओशंस के बारे में बात की गई है और भी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तो इंग्लिश जो है इस आर्टिकल की काफ़ी टफ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अलाउ मी टू रीड अ फ्यू वर्ड्स फॉर यू। व्हेन हरिकेन हार्वी लूम्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ माई होम स्टेट ऑफ टेक्सस, इट सीम्ड टू फिल द एंटायर गल्फ ऑफ मैक्सिको। व्हेन इट रोड ऑन लैंड, इट पमल्ड द टाउन। सो काफ़ी आप देख सकते हो कि काफ़ी डिफिकल्ट वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगा कि आर्टिकल बेसिकली क्या क्या रहा है, उसके अलावा जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और आप वो नोट डाउन कर लीजिएगा। कोशिश करिए एक रजिस्टर या कोई डॉक्यूमेंट बना लीजिए और वहाँ पे जो भी मैं वर्ड्स आपको बताऊंगा वो नोट डाउन कर लेना, एंड इट विल बेनिफिट यू ग्रेटली। तो शुरुआत करते हैं। अब देखो, आर्टिकल की शुरुआत होती है हरिकेन हार्वी की डिस्ट्रक्शन से। आपको पता है हरिकेन हार्वी रिसेंटली आया था, US में काफ़ी तबाही मचाई। अब हरिकेन हार्वी ने क्या किया टेक्सस में, उसके बारे में बात की जा रही है कि कैसे पहले लैंड पे आया, फिर वापस गल्फ ऑफ मैक्सिको में चला गया, फिर लैंड पे आया, ठीक है। तो पहले की जो कुछ पंक्ति है, अब ज़्यादातर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो अटकते हैं कहाँ पे। देखो, रीजनिंग आदमी कर लेता है, वो समझ के कॉन्सेप्ट समझ एक बार कर लेता है, वो आराम से प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर ले आता है, मैथ कर लेता है। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब ज़्यादातर स्टूडेंट्स अटकते हैं, वो वर्ड्स के ज्ञान की कमी की वजह से अटकते हैं। दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ अ लॉट ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो पहली जो लाइन है ज़्यादातर स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, व्हेन हरिकेन हार्वी लूम्ड ऑफ द कोस्ट, अचानक से ना यहाँ पे एक थोड़ी अनकंफर्टेबल सी फीलिंग आ जाएगी कि लूम्ड ऑफ द कोस्ट क्या कहने की क्या कोशिश कर रहा है। माइंड में जो पिक्चर, जो क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी नहीं होगी और सडनली
आपका जो पीछे बढ़िया रिदम चलता आ रहा था, आपने रीजनिंग बढ़िया कर लिया, आपने क्वांट्स अच्छा कर लिया, उसके बाद जो आपका एक रिदम था वो डिसरप्ट हो जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जब आपको वर्ड्स की जानकारी नहीं होती। तो इन वीडियोस में मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपको वर्ड्स की जानकारी हो, और ऐसे नहीं कि रैंडमली कहीं से वर्ड उठा लिया मैंने कि मैं आपको बता रहा हूं कि देखो इसका मतलब ये हो गया याद रख लेना। यहाँ पे हम देखेंगे कि उस वर्ड को आर्टिकल में इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ताकि कल को आपको कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना हो तो वहाँ पर भी आप कॉपी करके ये स्टाइल वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा वर्ड को याद रखने का तरीका भी सही यही है कि उसको यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है ये देख लिया, और उसके बाद खुद भी कुछ सेंटेंसेस उसके बना लिए और उसका जो यूज़ है प्रॉपर वो समझ लिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन हरिकेन हार्वी लूम्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ माय होम स्टेट टेक्सास। लूम्ड का बेसिकली मतलब क्या है? लूम्ड यहाँ पे एक क्रिया है, वर्ब है। हरिकेन हार्वी मंडरा रहा था। जब आप कहते हो कि समथिंग वॉज लूमिंग तो आप ये नहीं कह रहे कि कैजुअली खड़ा होकर बस देख रहा है, वो ऐसे खड़ा है कि बस कोई तबाही मचा देगा वो आके। आप यही कहते हो ना कि कोई चीज़ मंडराती है, जो भी खतरा होता है वो मंडराता है। आपका बेस्ट फ्रेंड आगे खड़ा हो गया, आप ये ना कहोगे कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मंडरा रहा है, तो जो डेंजरस चीज़ है वो मंडराती है। तो लूम्ड का मतलब होता है टू स्टैंड और टू अपीयर ओवर समवन इन ए थ्रेटनिंग वे। किसी के सामने किसी के साथ में एक बहुत ही थ्रेटनिंग वे में खड़े हो जाना। और हार्वी भी ऐसी खड़ा हुआ था। हार्वी ने आपको पता है यूएस में इतनी तबाही मचाई है, तो जब पहली बार लोगों ने टेक्सास के कोस्ट पे उसको देखा होगा तो लग रहा होगा कि या तो मंडरा रहे तो आके बहुत तबाही मचाएगा। और आगे ये लिखा है कि उसने खूब सारी तबाही मचाई। व्हेन इट रोर्ड ऑन लैंड, रोर आपको पता है लॉयन रोर करता है, ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने अतिशोक्ति करते हुए कहा कि हार्वी भी रोर ही कर रहा था जमीन पर जब हार्वी जमीन पर आ गया। अब उसके बाद ये वर्ड आता है पमल्ड। ज़्यादातर खैर एस्पिरेंट्स को इसको प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत आएगी, प्रोनाउंसिएशन भी याद रख लेना इसकी, पमल्ड। अब पमल्ड का मतलब होता है कि अच्छे से पीटना किसी को। अब यहाँ पे हार्वी के हाथ तो है नहीं ना मुक्के हैं, तो यहाँ पर भी ये राइटर थोड़ी सी एक लिबर्टी लेते हैं और जो हार्वी डिस्ट्रक्शन मचा रहा है उस डिस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने पमल्ड का इस्तेमाल कर लिया। तो टाउन्स में जो भी उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचाई, जो वहाँ पे बीचेस थे वहाँ पे डिस्ट्रक्शन मचाई, उसको डिस्क्राइब करने के लिए वो कह रहे हैं कि हार्वी ने पमल कर दिया सबको। ठीक है, पमल्ड हम कहेंगे पास्ट टेंस में और पमल्ड हो गया। तो पमल का मतलब होता है टू बीट रिपीटेडली विथ फिस्ट्स, टू पाउंड टू बीट। तो टू पाउंड का मतलब ये होता है किसी को पीटना, तो बीट का मतलब भी किसी को पीटना ही होता है। और अब वैसे यहाँ पे इन्होंने हार्वी के लिए इस्तेमाल कर लिया कि कोई एक यू नो हरिकेन आ गया, उसने तबाही मचा ली, टाउन्स को उसने पमल कर दिया। मगर आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं उसको कि अगर मान लो कोई क्राउड है उनके हाथ में कोई चोर लग गया, पता लग गया कि ये आदमी चोर है, तो क्राउड क्या करेगी उसके साथ, उसको भी पमल ही करेगी ना। तो आप ये भी कह सकते हो व्हेन द थीफ, चोर, व्हेन द थीफ गॉट कॉट, जब वो पकड़ा गया ही वॉज पमल्ड बाय द क्राउड, उसको अच्छे से पीटा गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स हमने सीख लिए। अब ज़रा क्लैरिटी आ रही होगी, ज़रा आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। और सारा जो खेल है ना यहाँ पे वही है अपना कंफर्ट मेंटेन करने का। कभी भी डरो मत, एक बार वर्ड्स ऐसे सामने आए कि समझ नहीं आ रहा, डर बैठ गया ना, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। वर्ड्स की जानकारी होगी, समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, तो आंसर भी आराम से कर पाओगे। अब आगे का जो पोर्शन है ना पढ़ने में आपको ज़रा आसानी होगी। अब आगे उसने बखान किया है कि किस तरीके से हार्वी ने कौन कौन सी बिल्डिंग को टारगेट किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हार्वीज आई टुक डायरेक्ट एम एट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, तो वहाँ पे दवाई मचा दी होगी। ठीक है, और साथ में फैसिलिटीज़ को काफ़ी जो डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो काफ़ी वहाँ पे प्राइसलेस सैंपल्स है, किसी चीज़ के सैंपल होंगे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर आगे बताया कि हार्वी किस तरीके से मूव कर रहा था वहाँ पे। अब लिखा है पहले लैंड पे था, हमने डिस्कस किया, अभी लैंड पे था, लैंड से फिर से गल्फ ऑफ मेक्सिको पे चला गया। अब वहाँ पे बता रहे हैं कि जो सी का टेम्परेचर था वो थोड़ा ज़्यादा था, 4 डिग्री ज़्यादा था। अब इससे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा पूछेंगे नहीं आपसे कि आपको ज़रा कुछ सर्च करना है, यही पूछ सकते हैं कि गल्फ ऑफ मेक्सिको का जो ये रिकॉर्डेड टेम्परेचर था ये हार्वी के दौरान कितना था, तो आंसर आप बता सकते हो आराम से, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़रा था नॉर्मल टेम्परेचर से। और जब ऐसा होता है तो जो स्टॉर्म होता है उस पर वाटर वेपर भी चढ़ जाता है। ठीक है, जो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसका दिया हुआ है तो वो ज़रा उस पर जाएंगे नहीं हम। तो बेसिकली हार्वी के पास अब फिर वाटर वेपर भी आ गया जिससे और उसने डिस्ट्रक्शन मचाई। तो उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन मचाई उसको डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने बड़े अच्छे अच्छे यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हार्वी पहले लैंड पे था, फिर पानी में गया, फिर लैंड पे आया। तो हार्वी जब लैंड पे वापस आया उसने फिर कैटास्ट्रोफिक अमाउंट ऑफ रेन वहाँ पे डंप करनी शुरू कर दी, जो वहाँ से उसने ली थी, समुद्र से ली थी। ठीक है, तो कैटास्ट्रोफिक अमाउंट ऑफ रेन की जब हम बात करते हैं
तो हम बात कर रहे हैं ऐसी बारिश जिससे बहुत ज़्यादा तबाही मची हो, ठीक है। अगर कोई भी मैं चीज़ कहूँ कि दैट वॉज कैटेस्ट्रॉफिक, मतलब कि बहुत ही बुरा था उसके लिए, कैटेस्ट्रॉफी अपने आप में उसका मतलब होता है एक डिजास्ट्रस कोई चीज़ हो, ऑलराइट। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बेसिकली डिस्क्राइब कर रहे हैं किस तरीके से लोगों के जो घर थे वो डूब रहे थे, हाउसेज दैट हैड ऑलवेज बिन ड्राई बिफोर, वहाँ पे फ्लड आ गया और फिर वहाँ पे खूब सारे जो टॉक्सिक केमिकल्स थे वो भी निकलने शुरू हो गए काफ़ी सारी साइट से। और देखो फिर ये सेंटेंस देखो, डजन्स, कई दर्जनों की मौत हुई डेल्यूज से। डेल्यूज एक बहुत ही हैवी टाइप का फ्लड होता है, ठीक है, मोस्टली बाय ड्राउनिंग। तो जब इतना सारा पानी हार्वी ने ऊपर से बरसाया तो फ्लड की सिचुएशन सी आ गई थी और उसकी वजह से बहुत सारे लोग डेल्यूज में मर भी गए, डूब के वो मर भी गए। अब उसके बाद यहाँ पे जेलीफिश की बात आती है। अब आप सोचोगे सर इतना कुछ हो गया जेलीफिश खाए, तो यहाँ पे आती है जेलीफिश। अब इस दौरान यहाँ पर ऑथर बार बार जेलीफिश के बारे में सोचते रहे, ठीक है। तो इस सब के बीच में, ये हार्ट ब्रेक और हॉरर के बीच में, जो ऑथर थे उनके माइंड में जेलीफिश बार बार आ रही थी। अब क्यों आ रही थी वो डिस्कस करते हैं। अब देखो आगे जो आर्टिकल का हिस्सा है वहाँ पे जेलीफिश के बारे में इन्होंने बात करी और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने यूज़ किया है डायफनस, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, काफ़ी सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता होगा। डायफनस का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत ही लाइट हो, बहुत ही डेलिकेट हो। अब ये वर्ड आप इन्होंने तो खैर जेलीफिश के लिए यूज़ कर लिया, बहुत ही अच्छी क्रिएटिविटी है, कुडोज टू द राइटर। मगर आप अगर चाहो तो इस शब्द को आप किसी ड्रेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब कौन सी एक्ट्रेस आजकल काफ़ी फेमस है, नाम याद नहीं आ रहा, कोई भी लिख लो कि दैट एक्ट्रेस वॉज वेयरिंग ए डायफिनस ड्रेस दैट डे दैट हैड अ गोल्डन लाइनिंग, तो कुछ ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो। ये ड्रेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, एनीथिंग जो डेलीकेट हो और लाइट हो उसको आप डायफिनस कह सकते हो। तो जेलीफिश के बारे में लिखा हुआ है कि डायफिनस होती है फॉर्म में, जैसे ऑब्वियसली होती भी है, जेलीफिश को आप देखोगे बड़ी लाइट सी डेलिकेट सी लगती है, ऐसे लगता है कि पकड़ लोगे तो कुछ हो जाएगा उसको, मतलब पिचक जाएगी। तो आगे लिखा है येट मेनेसिंग इन स्टिंग, तो जेलीफिश की आपको पता है स्टिंग भी होती है, डंक मारती है जेलीफिश, अनोखे टाइप का, और उससे काफ़ी नुकसान भी हो सकता है ह्यूमन बॉडी को। तो मेनेसिंग लिखा हुआ है, मेनेसिंग का मतलब होता है थ्रेटनिंग, ठीक है, जो चीज़ काफ़ी थ्रेटनिंग हो, मेनेसिंग है वो काफ़ी। और जेलीफिश के बारे में लिखा है कि जेलीफिश काफ़ी बार हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर कर लेती है, मतलब कि काफ़ी बार हम जेलीफिश की जो बनावट है, जो उसकी खूबसूरती है, जो अपने आप में उसकी मिस्ट्री है कि एवोल्यूशन में ये कहाँ से आ गई अचानक से, उसके बारे में भी हम सोचते हैं, तो इट कैप्चर्स आर इमेजिनेशन। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दे अंड्यूलेट, अंड्यूलेट का मतलब होता है मूव करना, ये वर्ब है। अब देखो डायफेमस ये क्या था, ये एक एडजेक्टिव था, किसी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, वो ड्रेस कैसी है डायफनस है। और फिर मैनेसिंग ये भी एक एडजेक्टिव है, कोई आदमी कैसा है, बड़ा मैनेसिंग आदमी है, बड़ा थ्रेटनिंग आदमी है, ठीक है, तो मैं एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अंड्यूलेट ये एक क्रिया है, ये एक वर्ब है, अंड्यूलेट का मतलब होता है मूव करना एक बहुत ही स्मूथ वेवी फैशन में, जैसे आपको पता है जेलीफिश स्विम करती है, बहुत ही एक स्मूथ साइज वेवी साइज फैशन होता है। और उसको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कहा है कि प्राइमियल रिदम, प्राइमियल ये दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक तो होता है कि जो प्रिमिटिव टाइम की हम बात कर रहे हैं, स्टोन एज की, काफ़ी प्राचीन समय की हम बात कर रहे हैं, तो वही रेफरेंस है इसका यहाँ पे, कि बहुत ही जैसे हमको याद दिलाते हैं कि अरे प्राचीन समय में कोई जैसे सी क्रीचर्स स्विम करते थे, वैसे ही जेलीफिश भी ओशन में जाती है, आगे पीछे चलती है। और आगे काफ़ी पोएटिक वे में लिखा है कि किस तरीके से वो ओशन की सोल में देख सकती है, सी की सोल में देख सकती है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। फिर मेन बात आती है कि जेलीफिश को हम इंसान कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो पूरा जो ये आर्टिकल है इसका जो क्रक्स यही है कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से इंसान नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसमें जेलीफिश की हमें बात कर दी गई है। तो बात यहाँ पर आ जाती है एंड वॉट दे आर सींग आर चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय अस ऑन लैंड, अस कौन है, हम ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अब जेलीफिश भी अपनी आँखों से सी में ओशन में देख रही होगी कि क्या चेंजेस हम इंसानों ने ला दिए हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके ना आजमा कर पोल्यूशन की वजह से वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आगे इसी के बारे में बात की जा रही है फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, ये देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। अब आगे आर्टिकल काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात कर रहा है, हम ह्यूमन बींग्स आपको पता है हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और भी वेरियस पर्पसेस के लिए। जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, उससे बेसिकली होता क्या है कि सिर्फ हमारी जो हमारा जो लैंड है वहाँ पे गर्मी नहीं बढ़ रही, ओशन भी गर्म हो रहे हैं, ओशन वाटर्स आर वार्मिंग,
वहाँ पर भी गर्मी बढ़ रही है क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। तो क्लाइमेट की बात की गई है और बेसिकली बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने उठाया है, ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिंस ओशंस गर्म हो रहे हैं तो बहुत सारे सी क्रीचर्स को होम लाइक कंडीशंस मिल रही है वहाँ पे जहाँ पे पहले उनका रहना अनसूटेबल था। यहाँ पे आती है जेलीफिश। अब देखो ये एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, दैट्स व्हाट हैपेंड इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन वेयर ए जेलीफिश फ्रॉम द ट्रॉपिकल इंडियन ओशन हैज़ फाउंड वार्म होमली वाटर्स एंड नाउ फॉर्म्स ह्यूज एग्रीगेशंस कॉल्ड blooms that stretch for tens of miles every summer. The fierce stings of these animals chase beach goers out of the water. अब देखो क्या है कि जब मेडिटेरेनियन की हमें बात कर रहे हैं, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की, वहाँ पर भी जो तापमान है पानी का वो इतना गर्म हो गया है कि जेलीफिश के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है, ठीक है। तो अब जेलीफिश वहाँ पर उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया है और काफ़ी बार जो हमारा शिप ट्रैफिक होता है वो भी जेलीफिश को अपने साथ ले जाता है ऐसी जगहों पर, और यहाँ पर भी यही हुआ है, वहाँ पे बहुत सारी जेलीफिश आ गई है। मतलब कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में पहले कम जेलीफिश थी, अब बहुत ही ज़्यादा जेलीफिश हो गई है। और उसकी वजह से क्या होता है, जेलीफिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनकी स्टिंग होती है, डंक भी मार सकती है वो। तो काफ़ी बार जब बीच के किनारे पर जेलीफिश आ जाती है तो वहाँ पर जो बीच गोइंग लोग होते हैं तो उनको वो डंक भी मारती है, और काफ़ी सारे लोग जो हैं जो वहाँ पे यूरोप के ईस्टर्न यूरोप में बीचेस पे जाना पसंद करते हैं तो वो जेलीफिश की वजह से उनको काफ़ी बार चोट भी लगती है, काफ़ी बार लोगों को वहाँ पर डंक वहाँ पे लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो उनकी बॉडीज़ है जेलीफिश की बॉडीज़, वो काफ़ी बार जो पावर प्लांट्स की मशीनरी होती है उसको क्लॉक कर देती है, उसकी वजह से बहुत सारे ऑपरेशन रुक जाते हैं। अब यहाँ पे आके ना आपको फ्लो पता लग गया कि आर्टिकल का फ्लो क्या है। अब हर जो एग्जांपल होगा ना बेसिकली यही बताएगा कि किस तरीके से जेलीफिश की आबादी ज़रूरत से ज़्यादा कुछ एरियाज़ में बढ़ रही है और काफ़ी बार इकोसिस्टम भी इसे डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है कि रैम्पेंट जो कोस्टल डेवलपमेंट है उसकी वजह से भी जेलीफिश काफ़ी हद तक बढ़ रही है, उसका इन्होंने एक रीज़न दिया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इटली में भी ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पे गैस प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जेलीफिश काफ़ी सारी आ गई है। और ये बात कर रहे हैं कि एड्रियाटिक सी में एक ज़माने में जेलीफिश देखने ही को नहीं मिलती थी लोगों को, अब वहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश आ गई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम पॉल्यूशन ओशन में और फेंक रहे हैं उससे क्या हो गया कि पॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीजन का जो एनवायरनमेंट था वो कम हो रहा है, बेसिकली ऑक्सीजन पानी के अंदर कम हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारी जो जेलीफिश होती है, सब जेलीफिश एक्चुअली कुछ जेलीफिश जो होती हैं वो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम ज़रा करके वो सर्वाइव कर लेती है, मगर जो वहाँ पे फिश होती हैं और मछलियाँ होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती। तो हम बेसिकली पोल्यूशन और ओशन को वार्म करने से क्या कर रहे हैं, हम हर जगह जेलीफिश फैला रहे हैं और जो वहाँ पे मछलियाँ थी वो पोल्यूशन की वजह से मर रही है। और देखो इकोसिस्टम भी होता है, काफ़ी सारी मछलियाँ जेलीफिश को खाती है, तो जब वो जेलीफिश को खाने के लिए मछलियाँ नहीं होगी तो सीधी सी बात है जेलीफिश की आबादी और ज़रा बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे बताया कि यही सीन हमको येलो सी में देखने को मिलता है। येलो सी आपको पता है चाइना के करीब है, ठीक है, वो येलो सी है। तो वहाँ पर कह रहे हैं वहाँ पर पॉल्यूशन अनचेक्ड है और ये बर्थ प्लेस है मैरून जेलीफिश की, जो 500 पाउंड का वेट भी रीच कर सकती है। जब वो बहुत ज़रा बड़ी हो जाती है 500 पाउंड तक की हो सकती है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि काफ़ी बार जब फिशरमैन मछली को पकड़ने के लिए निकलते हैं तो उनको मछली नहीं मिलती क्योंकि मछली धीरे धीरे मर रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, मगर उनको बहुत ज़्यादा जेलीफिश पकड़ने में आ जाती है, वो इतनी ज़्यादा भारी होती है कभी कभार फिशिंग बोट्स भी गिर जाती है, वो काफ़ी बार हो भी चुका है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो बेसिकली जापान की जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसको भी इससे नुकसान हो रहा है, काफ़ी सारे जो पावर प्लांट हैं ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में उनको भी ये काफ़ी ज़्यादा क्लॉक कर देती है, और भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है ओवरऑल इकोसिस्टम जो है ओशन का, हम पोल्यूशन और जो ओशंस की वार्मिंग है उसकी वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कर रहे हैं कि लैक ऑफ ओवरसाइट ऑफ द फिशिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे 90% लार्ज फिश हट चुकी हैं और जो प्रेडेटर्स थे, प्रेडेटर होता है शिकारी, जो प्रेडेटर होता है जेलीफिश का, वो अब जा चुका है, तो अब उसकी वजह से जो जेलीफिश ग्रो कर रही है रैपिडली। अब देखो आर्टिकल के एंड में जेलीफिश की वजह से जो समुद्र का इकोसिस्टम है उसको किस तरीके से हम नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके बारे में बात की गई है, और बेसिकली नामीबिया के बारे में बात कर रहे हैं कि नामीबिया के पानी में एक ज़माने में जेलीफिश बहुत कम थी, अब वो 3 गुना ज़्यादा हो गई है वहाँ पर, उसकी वजह से अब देखो जब जेलीफिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है मछलियाँ कम हो रही है, मछलियाँ जब कम होगी तो वहाँ पर आसपास जो सील्स होंगे, सील आपको पता है वो भी एक क्रीचर होता है जो पानी में भी रहता है ज़मीन में भी रहता है,
तो उसको खाने को नहीं मिलता, वो भी स्टार्व कर रहा है मतलब भूखा है वहाँ पे। तो यही प्रॉब्लम इन्होंने बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट करी है इस पूरे आर्टिकल में। अब जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे यहाँ पे उन पर थोड़ा फोकस करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस आर्टिकल से। एक तो है रैम्पेंट, रैम्पेंट इन्होंने यूज़ किया यहाँ पे, रैम्पेंट कोस्टल डेवलपमेंट। रैम्पेंट का अर्थ होता है कोई चीज़ जो बिना किसी कंट्रोल के हो, अनरिस्ट्रेंड हो, जिस पर कोई चेक ना हो। अब ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। इसके एंटोनिम्स बड़े ईजी हैं, कोई चीज़ जो कंट्रोल्ड हो, ठीक है। हमको कौन सी डेवलपमेंट चाहिए, हमको क्या रैम्पेंट कोस्टल डेवलपमेंट चाहिए? नहीं, हमें चाहिए कंट्रोल्ड कोस्टल डेवलपमेंट, रिस्ट्रेंड कोस्टल डेवलपमेंट, चेक्ड कोस्टल डेवलपमेंट। के वहाँ पर ऐसा नहीं कि बिल्डर बस कुछ मतलब बिल्डिंगें खड़ी करे जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी हो रहा है। वहाँ पे सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से होना चाहिए, जो वहाँ पे इकोसिस्टम है उसको ध्यान में रख के हमको डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, रैम्पेंट नहीं करनी। आगे देखो, फिर जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जेलीफिश बहुत ज़्यादा हो जाती है बीच में, वहाँ पे जो लोग आते हैं उनको डंक भी मारती है, क्योंकि जो उनके डंक होते हैं उनको इन्होंने यहाँ पे यूज़ करने के लिए वर्ड यूज़ किया है फियर्स स्टिंग्स। स्टिंग होता है डंक, इनका स्टिंग कैसा है, एडजेक्टिव इन्होंने यूज़ किया है फियर्स। फियर्स का मतलब होता है विशस, सैवेज, बहुत ही दर्द देने वाला। अभी तो इसके सिनोनिम्स हो गए, जो इसका एंटोनिम है, जो इसका उल्टा होगा वो होगा जेंटल, टेम, माइल्ड, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हो जेंटल का बिल्कुल ऑपोजिट होता है विशस, फिरोशियस, फियर्स। तो बहुत ही गंदे डंक होते हैं उनके और आदमी को काफ़ी चोट लग सकती है इसकी वजह से, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है हॉल्टिंग ऑपरेशंस, क्योंकि काफ़ी बार जो जेलीफिश होती है उसकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी बार जो मशीनरी होती है उसको क्लॉक कर देती है, मतलब कि उसको वहाँ पे उनकी जो बॉडी होती है वो उसका जो फ्लो होता है मशीन के अंदर का वो उसको रोक देता है, और जो पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ के ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं, हॉल्ट हो जाते हैं। हॉल्टिंग ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है, देखो हॉल्ट ये एक वर्ब है, ठीक है। हॉल्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को रोक देना, कोई चीज़ को बिल्कुल मतलब स्टॉप कर देना। ये काफ़ी बार आपने ओल्ड इंग्लिश मूवीज़ में देखा होगा कि अगर कोई कहीं पे जा रहा होता है और किसी को उस आदमी को रोकना होता है तो वो ज़ोर से आवाज़ लगाता है दूर से, हॉल्ट। वो स्टॉप नहीं बोलता, वो बोलता है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब ही होता है कि रुक जाओ वहीं पे। तो हॉल्टिंग ऑपरेशंस का मतलब वही होता है, जब आपकी मशीनरी क्लॉग हो जाएगी तो आपके जहाँ पे ऑपरेशंस होंगे क्या होंगे, रुक जाएंगे, या जो उनकी स्पीड थी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। ऑलराइट, तो याद रखिएगा हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को भी हॉल्ट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। और ये तो खैर एक ही वीडियो है, और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा हुआ है, इसमें ज़्यादा लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस कंटिन्यू करता रहूँ, तो बिल्कुल मैं बनाता रहूँगा। और बेशक विद इन अ फ्यू मंथ्स ऐसी वीडियोस को देखने के बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट जो आर्टिकल्स हैं मिलके हम उनको डीकोड करेंगे, अच्छे से डीमिस्टिफाई करेंगे कि क्या लिखा गया। कोई डरने की बात नहीं है, सिंपल सरल भाषा में समझाऊंगा, और उसके बाद आप समझ भी पाओगे कि ऐसे आर्टिकल से निपटना कैसे, उनको कैसे समझना है, उनसे डरना नहीं है, ठीक है, उनको किस तरीके से आप बस टैकल कर सकते हो एग्ज़ाम में। ऑलराइट, तो ये हमारी वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो आपको तो लाइक ज़रूर करना है, इसको शेयर कर सकते हो फेसबुक, व्हाट्सएप या जहाँ भी आप चाहो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।